कमरे में, अम्मा मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने मॉडल और एक्टर बनने का फैसला कर लिया है कि अब ज्यादा देर मैंने इस अम्मा तुम कब आए कमरे में? अम्मा तुम्हें पता है मैंने आज एक ख्वाब देखा है, अम्मा तुम्हें पता है मैंने एक ख्वाब देखा है और एक मैंने फैसला कर लिया मॉडल और एक्टर बनने का, और अम्मा तुम्हें तो पता है कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ, सो मैं अब तभी इस घर में लौटूंगी जब कुछ बन जाऊंगी। अम्मा मैं मेरी ख्वाहिश है जिंदगी की कि मैं एक मॉडल और एक्टर बनूं अच्छी, और मेरा एक नाम हो, दुनिया मेरे आगे पीछे घूमे हो, मेरा एक शानदार सा घर हो जिसमें मैं रहूं। और तुम्हें तो पता है कि जो लोग मॉडल एक्टर होते हैं ना, लोग उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे होते हैं, और तेरी बेटी का ना एक नाम होगा दुनिया में। सो अब मेरे इस गुरबत ज्यादा घर में ज्यादा देर नहीं टिका, तुम्हें तो पता है इस गुरबत ज्यादा घर में रह रहे मैं तो तंग हो गई हूँ, और तुम्हारे फैसले पर अगर मैं रही ना तो मैंने तो इधर के इधर ही रह जाना है, लिहाजा अब मैंने ज्यादा देर इस घर में नहीं टिकना, अब मैं तभी आना है जब मैं कुछ बन जाऊंगी, मेरा एक नाम बनेगा कि वाकई मैं एक एक्टर बन गई हूँ, मॉडल बन गई हूँ, दुनिया में मेरा एक नाम होगा। तो सो अब मैं जा रही हूँ, बाय। अम्मा तुम कब आई कमरे में? अम्मा मैंने एक ख्वाब देखा है मॉडल और एक्टर बनने का, इसे पूरा करने के लिए पूरी जिद्दोजहद करूंगी और मैं अपनी जान लड़ा दूंगी। अम्मा तुम्हें तो पता है एनी के कमाल का, एनी जो कहती है वो करती भी है, वैसे बोलती नहीं हूं मैं, जो करती हूँ करके दिखाती भी हूँ। और अम्मा अब ज्यादा देर में इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि मैंने ख्वाब देखा है मेरे घर में एक शानदार घर होगा, नौकर चाकर मेरे आगे होंगे, गाड़ियां बंगले, और मैं तभी आऊंगी जब मैं किसी मुकाम तक पहुंच जाऊंगी, इसलिए अब ज्यादा देर मैंने इस घर में नहीं रुकना, सो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब मैं तभी आऊंगी जब एक एनी का एक स्टाइल होगा और एनी कुछ बन जाएगी, एनी का एक मुकाम होगा और एनी अपनी मंजिल तक जल्द पहुंचेगी, ये मेरा माँ के साथ वादा है। अब ज्यादा देर मैंने यहाँ नहीं रुकना, सो मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय। माँ कब आई तुम? माँ मेरी एक बात सोची है। अम्मा तुम कब आए कमरे में? अम्मा मैंने एक ख्वाब देखा है और मैंने एक फैसला किया है मॉडल और एक्टर बनने का, अम्मा बहुत जल्द मैं एक सुपरस्टार एक्टर बनूंगी, लोग मेरे कदमों में होंगे, आगे पीछे घूम रहे होंगे, और मेरा एक शानदार सा घर होगा, गाड़ियां होंगी, नौकर होंगे, चाकर होंगे। तुम्हें तो पता है अम्मा कि जो बड़े लोग होते हैं ना, जो रिच फैमिली के होते हैं, उनसे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे होते हैं, और मेरे भी वो दिन आ जाएंगे बहुत जल्द। और तुम्हें तो पता है जो तुम्हारी बेटी कहती है वो करती है, और मेरी जिद के आगे कोई भी बात नहीं पीछे हटी, इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है कि अब मैंने इस घर में गुरबत ज्यादा घर में ज्यादा देर नहीं टिकना, सो बाय बाय। अम्मा तुम कब आई कमरे में? अम्मा मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने मॉडल और एक्टर बनने का एक फैसला कर लिया है क्या मैं? सुहेब मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है और तुमने मुझे मोहब्बत का क्या सिला दिया है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें हो क्या क्या है, मैंने दुनिया वालों की बात नहीं सुनी, इसलिए नहीं सुनी कि मेरा जो सुहेब है मुझसे प्यार करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, और तुमने मुझे क्या सिला दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे हर्ट किया, मुझे परेशान किया, आई कांट बिलीव दिस कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। लेकिन सोएब मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है ना कि तुम्हारी सोच है, मैंने खुद से ज्यादा मोहब्बत तुमसे की है, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जो जगह बची है वो नफरत है, और जिस नफरत के लिए तुम कभी हो ही नहीं। और सोएब मुझे यकीन है तुम पे कि तुम कभी भी मेरे मोहब्बत किया है कि अब मैंने मॉडल और एक्टर ही बनना है, ठीक है, और मैंने ख्वाब देखे है कि मेरे बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, और एक शानदार सा घर होगा जिसमें मैं जिंदगी बस करूंगी। और अम्मा मेरे तुम तो जानती हो
जो मैं एक बार ठान लूँ उसे करने की हिम्मत और हौसला में रखती हूँ और उसे जरूर पूरा करती हूँ। और अपने ख्वाब को पूरा करने की के लिए मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। बाय बाय। अम्मा तुम कब आई? अम्मा मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने एक्टिंग और मॉडल बनने का फैसला कर लिया है कि अब इस गुरबत ज्यादा घर में मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। अम्मा तुम कब आई? अम्मा मैंने एक फैसला किया है और मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैंने मॉडल और एक्टिंग बनने का एक... तुम कब आई? अम्मा मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने मॉडल और एक्टर बनने का फैसला कर लिया है कि अब इस घर में मैंने ज्यादा देर नहीं रुकना और मैंने ये फैसला किया है कि मैंने एक्टर और मॉडल ही बनना है। और मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरा एक घर होगा शायद। सहेब मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की जिसका फिलहाल तुमने मुझे बेवफाई की शक्ल में दिया। सहेब आई कांट बिलीव दिस कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा सहेब कि तुम कभी मेरा दिल तोड़ोगे, क्योंकि मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की है ना किसी से नहीं की, मैंने खुद से ज़्यादा मोहब्बत तुमसे की है। और सब लोग मुझे कहा करते थे, दुनिया कहा करती थी कि ये नहीं ये तुम्हारा दिल तोड़ देगा, ये तुम्हें धोखा दे देगा, बट मैंने उनकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें पहले रखा बाद में खुद रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मोहब्बत की थी तुमसे। लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए नफरत है और मुझे यकीन है इसका सामना कभी भी नहीं कर पाओगे। सो तुमने मेरा इतना दिल दुखाया जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। सो आई से गेट आउट, गेट आउट, दफा हो जाओ दुनिया से। सहेब मैंने तुमसे हमेशा मोहब्बत की और इतनी मोहब्बत की खुद से ज़्यादा मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मुझे इसका सिला क्या दिया, लोगों के आगे मुझे मजाक बना दिया। सो आई कांट बिलीव दिस, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किसकी बातें कर रहे हो, लेकिन जो लोग मुझे कहा करते थे कि ये जो लड़का है दो नंबर है ऐसा है वैसा है, तो मैंने कभी उनकी बातों पे ट्रस्ट किया ही नहीं क्योंकि मुझे अपने सहेब के बारे में पता था और मुझे तुम पे ट्रस्ट था, खुद से ज़्यादा ट्रस्ट था क्योंकि मैंने खुद से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत की थी और सच्ची मोहब्बत की थी जिसका सिला तुमने मुझे रसवाई के जवाब में दिया और तुमने मुझे दुनिया के सामने एक मजाक बना दिया। सो आई कांट बिलीव दिस कि तुम मुझे इतना हर्ट कर सकते हो जिसके लिए मैंने अपनी फैमिली अपने दोस्तों हर जगह में हर लोगों से लड़ी कि सहेब जो है झूठा नहीं हो सकता, सहेब भी मुझे प्यार करता है, उसने मुझसे मोहब्बत की है और तुमने मुझे हमेशा दगा दिया धोखा दिया और आज मुझे बेवफाई का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। मोहब्बत का तुमने मुझे ये सिला दिया, आई कांट बिलीव दिस सहेब। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही बची है और मुझे यकीन है कि तुम कभी भी मेरी मोहब्बत और